तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल, ठीक है। पेपर अपना है एमसीक्यू, ठीक है, तो बड़े क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, पर हमें प्रैक्टिस जरूर करनी है। बुक का एक सिंगल भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। बच्चा क्या, मैंने पहले भी बताया कि बच्चा क्या गलती करता है कि एमसीक्यू पेपर है तो बड़े छोड़ देता हूँ, बड़ा पेपर है तो एमसीक्यू छोड़ देता हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो एग्जामिनर जो बुक बनाने वाला वो देता ही क्यों। तो प्रैक्टिस आपको हर चीज़ की होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने मीडियन पढ़ा, अभी आपका वैसे 10th वगैरह में पढ़ा हुआ होगा, पढ़ा हुआ है ना, तो बस सेम ही चीज़ है। मीडियन क्या होता है? मीडियन एक पोजिशनल एवरेज है। क्या है? पोजिशनल एवरेज है, पोजिशन के हिसाब से है। अभी तुम ऐसे बैठे हो ना, तो मीडियन ये है, ठीक है, जो बीच में है। अब ऐसे हो जाएगा तो मीडियन वो हो जाएगा, तो पोजीशन के हिसाब से मीडियन चलता है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ी और इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालना पड़ा, राइट। आज हम डिस्क्रीट सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत आसान है, फॉर्मूले सेम है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अगर मुझे मीडियन निकालना है तो फॉर्मूला होता है एन प्लस वन बाय टू टर्म, ठीक है, एन प्लस वन बाय टू टर्म। यही अगर मुझे क्वार्टाइल निकालना है, क्वार्टाइल क्या होता है, जब एक सीरीज के दो बराबर हिस्से करते हैं तो मीडियन निकलता है, और चार बराबर हिस्से करते हैं तो क्वार्टाइल होते हैं, आठ बराबर हिस्से करते हैं तो डेसाइल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाइल बोलते हैं, ऑक्टाइल होता है, 10 हिस्से करते हैं तो डेसाइल होता है, और 100 हिस्से करते हैं तो परसेंटाइल होता है। समझ गए? आपने जैसे एमबीए वगैरह करते हैं तो उसमें बोलते हैं ना परसेंटाइल आए। अब वो अपन कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं परसेंटेज के साथ, परसेंटाइल परसेंटेज नहीं होता है, पोजीशन होती है कि तुम कौन सी पोजीशन पे हो, ठीक है, समझना। अब 500 लोग हैं, समझना, अब 500 में सब में परसेंटेज ना निकाल के पोजीशन निकालनी है, तो जो सबसे टॉप है ऐसे ऐसे चलता है, वो परसेंटेज के हिसाब से चलता है, पोजीशन के हिसाब से चलता है, राइट। तो ये जो मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, ऑक्टाइल जो है, ये सब पोजिशनल एवरेज है और सब पोजिशन से मैटर करते हैं। कैसे, समझिए। एम का फॉर्मूला बनाया हमने एन प्लस वन बाई टू। अब आप खुद फॉर्मूला बनाएंगे, देखो क्यू वन का। क्यू वन क्या होता है? क्वार्टाइल वन, मतलब कि किसी भी चीज का 1/4। अब 1/4 कैसे होगा? एन प्लस वन बाय 4 कर दूं तो 1/4 हो जाएगा ना। टर्म, टर्म का मतलब हिंदी में बोलते हैं तो वा पद, क्या बोलते हैं, जैसे एन प्लस वन बाय टू वा पद, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि ये जो निकल के आएगा ये आंसर नहीं है, जो हम निकाल रहे हैं ना वो आंसर नहीं है, उतने नंबर पे जो बैठा है वो आंसर है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 प्लस 1 बाई 2 थर्ड, तो तीसरे नंबर पे जो बैठा है ना वो आंसर है, ठीक है, ओके। अच्छा अब बताओ Q3 का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से? एन प्लस वन बाई फोर अगर मैं करूँगा तो ये तो हो गया 1/4, पर 3 का मतलब तो 3/4 चाहिए हमें, तो ऊपर वाले को क्या करेंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया 3/4, ठीक है। इसी हिसाब से सोचो एक बार कि अगर D4 निकालना पड़े तो 4 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 बाय 10, क्योंकि 10 हिस्सों में बांटता है और हमें चाहिए चौथा हिस्सा, ठीक है। ऐसे ही लास्ट लिखो P45, तो हम करेंगे 45 n प्लस 1 बाय 100। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखिएगा आगे, लास्ट क्लास में हमने इंडिविजुअल सीरीज में निकाला देखा, चलो मैं एक इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन और करवा देता हूँ तो रिकॉल हो जाएगा आपको, ठीक है। बोलो, आप बोलो फिगर, जो भी आपको बोलनी है वो बोलो, फटाफट बोलो, असेंडिंग ऑर्डर में बोलना, बोलना किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में बोलना है, तो बोलो फटाफट कोई भी फिगर बोलो भाई, जल्दी जल्दी, 2 5 7 12 15, चलो बहुत है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या निकालना है, मान लीजिए ये सारी चीजें निकालनी है, निकाल दें, चलो फटाफट निकालते हैं।
सबसे पहले करते हैं एन प्लस वन बाई टू, एन कितना है? तो एन लिखेंगे आप यहाँ पे, जितने आइटम उतना एन, आइटम है 1 2 3 4 5, तो एन कितना है? 5 है, ठीक है। मैं थोड़ी सी इधर जगह कर लेता हूँ, ये लो, ठीक है। अब एन 5 है तो लगाओ फॉर्मूला, एन प्लस वन बाई टू, एन प्लस वन बाई टू, ये एम निकलेगा, तो हो गया सर 5 प्लस वन बाई टू। थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म, तो आंसर क्या होगा? 7 होगा, ना कि 3। गलती क्या करता है बच्चा, 3 आंसर करके आ जाता है, ठीक है। क्यू वन बता दो फटाफट, एन प्लस वन बाय फोर्थ, तो सर ये हो गया 5 प्लस वन बाय फोर्थ, तो ये हो गया 1.5, ठीक है। 1.5 आ गया, तो क्या करें, 1 और 2 का एवरेज, क्योंकि उनके बीच में है ना, ये यहाँ पे है, तो पहला आइटम और दूसरा आइटम दोनों का क्या कर देंगे आप, एवरेज। तो 5 प्लस 2 अपॉन 2 आंसर आ जाएगा 3.5, राइट। क्यू 3 भी निकालो, तो 3 इन एन प्लस 1 बाय 4, तो कर देंगे 3 इंटू 5 प्लस 1 बाय 4, कितना रहे 6 18, 4.5 आ रहा है क्या, देखना। ठीक है, अब 4.5 निकालना है, तो कैसे निकाले, फोर्थ और फिफ्थ का एवरेज, तो ये रहा भाई फोर्थ और फिफ्थ, एवरेज कर दो, तो 12 प्लस 15 अपॉन 2। लो जी, आसान है। चलिए एक लास्ट निकाल देते हैं, P45, तो 45 एन प्लस 1 बाय 100, ठीक है, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 अपॉन 100, तो करो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ये 240 और 30 270, 2.7th टर्म। अब ये मज़ेदार है, और कल भी बताया था मैंने आपको इसको कैसे निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं अगर पॉइंट्स में आ जाए। भाई 0.5 होता है तब तो बहुत आसान है, 0.5 में तो आप क्या करते हो, एवरेज कर देते हो, पर 0.7 आ गया, 0.1 आ गया, 0.2 आ गया, उसको कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए 2.7 कहाँ है, क्या ये 2 और 3 के बीच में है, बताइए जी, क्या मैं बोलूँ यहाँ है, 2 और 3 के बीच में है, हाँ, तो सर 2 तो पूरा है ही, तो पहले तो जो भी कंप्लीट टर्म होता है ना उसको लेना है आपको, तो 2 को पूरा ले लीजिए, 2 कितना है 5, ये तो लेना ही लेना। अब 2 और 3 के बीच का जो हिस्सा है उसमें से कितना चाहिए आपको, 0.7 चाहिए, पूरा नहीं चाहिए, 0.7 चाहिए, तो आप करेंगे प्लस 0.7 ऑफ 2 और 3, तो 3 है 7, 2 है वो, बोलो थर्ड माइनस 2 कर दूं, तो बीच का हिस्सा आ गया, उस बीच के हिस्से का 0.7 ले लिया हमने, तो ये आ गया 5 और ये आ जाएगा 1.4, तो आंसर आ जाएगा 6.4। ये लो जी, इस तरीके से निकालना होता था इंडिविजुअल सीरीज में, बोलो आसान है, ठीक है। डिस्क्रीट इससे भी आसान है, डिस्क्रीट सीरीज इससे भी आसान है, कैसे देखते हैं, आंसर बिल्कुल नहीं देखना है आपको, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं अपन, कंप्यूट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन को देख के समझ के बताइए, ये इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है, बताइए जी, क्वेश्चन को देख के बताइए, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट है, क्यों, क्योंकि एक्स भी दे रखा है, एफ भी दे रखा है, राइट, ओके। अब डिस्क्रीट सीरीज है तो लॉजिकली समझना, रट्टा तो मारना है तो मैं अभी बता दूंगा, पर रट्टा नहीं मारना अपने को, लॉजिकली समझना है। एन क्या होगा, क्या फ्रीक्वेंसी का टोटल एन होगा, डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, भाई इंडिविजुअल में तो हम ऐसे जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, पर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में ऐसे नहीं जोड़ सकते, क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि एक ही नंबर बार बार रिपीट हुआ है, जैसे 10 नंबर 4 बार रिपीट हुआ है तो 4 लोग हो गए ना, 20 नंबर 7 बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए इन सब का जो टोटल होगा किसका, फ्रीक्वेंसी का टोटल, हाँ, उसको एन बोलेंगे। तो करना एक बार कितना आ रहा है, 7 4 11 12 32, देखो कितना आ रहा है, 64,
96, हाँ 106 आ रहा है, ठीक है। अब एक बार आप एक काम करते हैं, अपन एक बार के लिए 106 पे फॉर्मूला लगा देते हैं मीडियन का। तो फॉर्मूला है सर 1n+1/2, तो 106 + 1/2 कितना आ रहा है, 53.5th टर्म। देखो ये आता है क्या, 53.5th टर्म आता है ना। अब दिक्कत है सर कैसे काउंट करें, वहां तो हम कर लेते थे पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां कैसे करें, यहां कैसे करें। तो एक तरीका बताऊं, पहले लंबा, बहुत लंबा, लंबा भी नहीं बहुत लंबा, कैसे देखो मैं बोलता हूं कि सर 10 चार बार आ रहा है, तो ऐसे लिख लेते हैं 10 10 10 10 आ गया चार बार। 20 सात बार आ रहा है, तो ऐसे लिख लेते हैं सर 20 20 20 20 20 20 20, हो गया सात बार। फिर 30 30, ये 21 बार लिख लेते हैं सर, ऐसे चलते जाते हैं, है ना। तो पता चल जाएगा 53.5 टर्म कौन सा है, ठीक है। पर ये तो बहुत लंबा हो गया भाई, टाइम टाइम ही तो वैल्यू है, टाइम के बिना क्या करेंगे। तो इसका फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन है सी एफ विच इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब जोड़ दीजिए आप, क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ना है समझना। अगर मैं कहूं कि भैया जिन जिन के 10 नंबर हैं हाथ ऊपर करो, जिन जिन के 10 नंबर है हाथ ऊपर करो, तो कितने लोग हाथ ऊपर करेंगे बताओ, चार लोग करेंगे, तो हमने लिख दिया चार। अब हमने कहा कि वो तो हाथ ऊपर ही रखो, जिनके 20 नंबर है वो भी हाथ ऊपर कर लो। अब टोटल कितने हाथ ऊपर है, 11 हो गए, जुड़ गए ना। ऐसा ऐसे ही अब आगे बोलेंगे तो 32, आगे चलेंगे तो 66, आगे चलेंगे तो 91, आगे चलेंगे तो 103, और आगे चलेंगे तो 106। ये क्या हो गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आपको कोई पूछे कि बताओ जी 53.5th नंबर कौन सी सीरीज में है, बता सकते हैं। देखो इसका मैं एक और तरीका लिख रहा हूं, एक बार सिर्फ समझाने के लिए, ये एग्जाम में नहीं लिखना अपने को कहीं पे कुछ भी, सिर्फ समझाने के लिए समझना। अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि सर इसमें मतलब है कि 1 से 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चार लोग यहां है, ऐसा बोलूं चलेगा, ठीक है। फिर सर 5 से 11, पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां, ये सात लोग यहां है, ऐसा बोलूं चलेगा टर्म, ठीक है। फिर सर 12 से लेके 32वां टर्म यहां है, ठीक है। 33 से लेके 66वां टर्म यहां है, ऐसे बोलें तो चलेगा ना, ठीक है। और ये भी मैं एक बार मिटाई देता हूँ, आगे देख लेते हैं कि सर 67 से लेके 91 टर्म यहाँ है, 92 से लेके 103 टर्म यहाँ है, और 104 से लेके 106 टर्म यहाँ है, ऐसे बोल सकते हैं। ये वैल्यू नहीं है, ये टर्म है, ठीक है। अब ढूंढो कि 53.5 कहाँ है, तो बहुत आसान है सर, इसके बीच में, तो ये आंसर आ गया, बताओ आसान है, समझ में आ गई बात, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। अब दोबारा समझो, ये तो थी समझाने की बात, अब एग्जाम में क्या करना है। अगर डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन आता है, पहले हम सी एफ निकालेंगे, फिर फॉर्मूला पुट करेंगे, और जो भी आइटम होगा उसको इसमें ढूंढ लेंगे, ठीक है। चलो इसी एग्जाम्पल में करते हैं बेटा, ये सारे आइटम सारे निकालते हैं अपन, इन्होंने तो एक निकाल के दिया ना, अपन सारे निकालेंगे, चलिए फटाफट देखते हैं। एम तो निकाल दिया हमने 40, क्यू वन निकालते हैं, क्यू वन निकालेंगे तो क्या करें, 106 + 1/4 25 26.75, अगर देखना एक बार, एक बार देख लेना, मैंने अंदाजे से किया है, सही है, ठीक है। अब 26.75 टर्म कहां है, 26.75 टर्म कहां है, 30, तो बस आंसर आ गया 30, सिंपल। नेक्स्ट भगो, 3 × 106 + 1/4, कौन सा टर्म आ रहा है, 107, 321 है ना,
107 हो गया, तो 321 हो गया, 321 80.5 आ रहा है, 80.25th term। ढूंढो जी 80.25th term कहाँ है, 50, तो आंसर हो गया हमारा 50, राइट। हाँ जी, D4 निकालते हैं, 4 × 106 + 1/10, तो कितना आ रहा है, 42.8th term। कहाँ है जी 42.8, 40 में, तो आंसर आ गया 40, सही है। लास्ट कर दो, 45 × 106 + 1/100, 48.15, तो ये भी 40 में आ रहा है। लो जी, कितना आसान था, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 22 दिख रहा है आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 22 दिख रहा है, कौन से सीरीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 कौन सी सीरीज का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, कॉन्टिन्यूस का है, और कॉन्टिन्यूस में फॉर्मूला बदलेगा, ठीक है। पर पहले मैं सोच रहा हूँ आपको एक दो क्वेश्चन इसके और करवा दिए जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, फिर कॉन्टिन्यूस पे लेके चलता हूँ, नीचे है ना अपने प्रैक्टिस में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है, क्या पूछा है, M पूछा है, Q1 पूछा है, Q3 पूछा है, D6 पूछा है और P91 पूछा है, ठीक है। सीरीज कौन सी है, डिस्क्रीट सीरीज है, तो क्या करना चाहिए हमें, क्या हमें CF निकालनी चाहिए, यस, तो 9, 25, 53, 99, 119, 129, सही है, ओके। तो एम निकाल देते हैं, चलो n + 1/2, तो एन कितना है 129 + 1/2, क्या 65th term आ रहा है, तो कौन से में आ रहा है, अब बिना वो रेंज बनाए देखो, बिना रेंज बनाए पकड़ो, में आ रहा है, समझ गए, 53 से ऊपर, देखो कैसे पढ़ना होता है इसको, 9 से ऊपर अगले में है, 25 से ऊपर अगले में है, 53 से ऊपर अगले में है, 99 से ऊपर अगले में है, 119 से ऊपर अगली सीरीज में है, तो इसीलिए 65 किस में आ रहा है, 25 में, तो आंसर हो जाएगा 25। चलो D6 निकालते हैं, सारा निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आपको प्रैक्टिस हो रही है, समझ में आ रहा है, तो बड़े क्वेश्चन में ज़्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है, तो D6 में कर देंगे 6 × 129 + 1/10, 130 × 13 = 78, 78 आ रहा है क्या, देखना 78 आ रहा है ना, 78th term, तो बताओ जी 78th term कहाँ है, सर वो भी वही है। चलो एक और निकाल लेते हैं, P91 और देख लो, P91, तो 91 × 129 + 1/100, 118 कहाँ जी, कहाँ आ रहा है, 30 में आ रहा है, तो आंसर हो गया 30। बताओ जी समझ में आ गई बात, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रीट सीरीज, अब हम चलेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज में। कॉन्टिन्यूस सीरीज में इसमें थोड़ा सा अलग है और थोड़ा ध्यान देने की आपको एक्स्ट्रा जरूरत है, क्यों है एक्स्ट्रा जरूरत और क्या एक्स्ट्रा है वो समझते हैं, ठीक है। चलिए अपन ले लेते हैं इसको साइड में, यहाँ आ जाइए एक बार, यहाँ समझते हैं, ठीक है।
चलो कोई भी एग्जाम्पल लिखो, जो भी आपका मन करे वो लिखो। जैसे 0 से 10 लिख दूं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, बोलो फ्रीक्वेंसी, बोलो क्या लिखूं, जल्दी बोलो। फ्रीक्वेंसी क्या लिखें? 2, 1, 5, 10, 3, 7। ठीक है क्या, चलेगा? ठीक है, अब इसमें भी काम तो वही करना है ना, सी एफ ही निकालना है। चलो सी एफ निकालते हैं। 2, 3, 8, 18, 21, 28, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे समझना आप एक बात को, कि अगर मैं यहाँ भी वही फॉर्मूला लगा दूँ, जैसे कि m इक्वल्स टू n प्लस 1/2, चलो लगा देते हैं एक बार, तो 28 + 1/2, 14.5th टर्म। ठीक है, ढूंढ के बताओ कहाँ रहा है, यहाँ रहा है क्या? सी एफ में देखोगे ना, तो 18 वाले में आ रहा है, तो 18 के सामने क्या है, 30 से 40। अब दिक्कत है कि अभी तक हमारे पास फाइनल जवाब नहीं आया, अभी भी हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, ग्रुप आया है एक, कि सब ये ग्रुप है, जवाब तो आया नहीं ना अभी तक। ठीक है, जवाब तो आया ही नहीं, तो इसलिए इसकी कैलकुलेशन ऐसे नहीं होगी, इसकी कैलकुलेशन बदलेगी। ठीक है, मैथमेटिशियन ने कहा कि जब ऐसा करने से आपका जवाब आ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो आप इसको फिर ऐसे मत करो ना, दूसरा तरीका बताते हैं हम आपको, वैसे करो। बताओ, बोले आप पहले क्या करो, छोटा m निकालो, क्या निकालना अपने को, छोटा m, स्मॉल m। ठीक है, स्मॉल m के लिए आपको करना है n बाय टूथ टर्म, प्लस वन नहीं करना है यहाँ पे, प्लस वन नहीं करना, और ये गलती बहुत बार एग्जाम में हो जाती है कि हम प्लस वन कर देते हैं। ठीक है, तो प्लस वन नहीं करना है आपको। चलो करते हैं, तो हमने किया 28 बाय टूथ, तो क्या आया, 14 टर्म। अब 14 टर्म को ढूंढो अगेन, तो यही आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मीडियन है वो इस ग्रुप में कहीं ना कहीं है, 30 से 40 के बीच में, पता नहीं क्या है पर है 30 से 40 के बीच में, इतना हमें पता है। तो चलो ढूंढे, तो यहां पे आप एक बार लिख लीजिएगा, मीडियन ग्रुप 32 40, कि मीडियन इसके बीच में है। ठीक है, अब आपको इसमें फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला क्या है वो देखिए, आपने दो फॉर्मूले पढ़े होंगे, अगर 10th में पढ़े होंगे तो ऐसे दो फॉर्मूले थे। ठीक है, L1 + I/F m - c। ठीक है, कई जगह m की जगह n/2 भी लिखा हुआ रहता है कई बुक्स में, तो हो सकता है आपने ये पढ़ा हो सकता है आपने वो पढ़ा हो, फर्क उससे कुछ भी नहीं पड़ेगा। अब एक बार समझते हैं कि इस फॉर्मूले में हमें जितनी चीजें चाहिए वो क्या क्या है। L1 का मतलब क्या है, लोअर लिमिट। L1 का मतलब क्या है, लोअर लिमिट। ठीक है, हमारे इस एग्जाम्पल में लोअर लिमिट क्या है, 30। अच्छा एक चीज बताओ, मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता कि 0 से 10, 10 से 30 डिफरेंस बदल गया ना, और 30 से 70 ऐसा होता मान लो, और हमारा ग्रुप सेलेक्ट हुआ होता ये, तो लोअर लिमिट क्या होती, 30, क्योंकि हमें हमारे ग्रुप से मतलब है, दूसरे में डिफरेंस कितना उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा आई, आई का मतलब है क्लास इंटरवल, बताइए जी क्लास इंटरवल कितना है, 10, मतलब कि डिफरेंस ग्रुप में डिफरेंस कितना है, 10। ठीक है, और अगर ये एग्जांपल होता तो 40 हो जाता, समझ गए। ठीक है, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप जो कि 10 है। एम, एम तो निकाला ही था अभी, अभी निकाला ही था ना, 14। और सी, ग्रुप से पहले वाली सी एफ, सी का मतलब क्या है, सी एफ बिफोर ग्रुप, तो ये हो गई 8। अब सोल्व करेंगे, 30 प्लस इसको कर देते हैं,
14 माइनस 8 6, 60 अपॉन 10, ऐसा करना है, जीरो नहीं करना है। मैथ्स में एक रूल होता है ना, कौन सा होता है, बोर्ड मास, तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे ना, वरना तो इसका आंसर ही बदल जाएगा, ठीक है। और जीरो तो वैसे भी नहीं होगा, वन होता है वैसे भी, ठीक है, वैसे भी वन होता है ना, टेन अपॉन टेन भी करेंगे तो वन आएगा, जीरो नहीं आएगा, ठीक है, तो वन भी करेंगे तो ठीक है चलेगा, पर अपने को चलना ऐसा ही है कि पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर हम टेन अपॉन, हाँ हाँ कर दो तुम, सही है, नहीं नहीं ब्रैकेट सोल्व किया हमने, कितना आया ब्रैकेट, सिक्स आया ना, मैंने सिक्स को टेन से मल्टीप्लाई कर दिया, किसका, अरे वो तो ठीक है, वो तो बताने के लिए है मैंने, कि आंसर ना चेंज हो जाए अपना, शॉर्टकट भी तो लगाने पड़ेंगे ऐसे लगाने बैठेंगे तो फिर तो टाइम कितना खा जाएगा अपना, बताया है कि ध्यान देना है उसको, कि उसकी वजह से अपना आंसर गलत ना हो जाए, समझ गए, ओके। एड तो सबसे लास्ट में करना है, तो 30 प्लस 6 आंसर आ जाएगा 36, आगे बात सुन में। अब सेम क्वेश्चन के ऊपर हम लगाते हैं एक बार Q1, ठीक है, तो Q1 लगाना है तो खुद बनाने की कोशिश कीजिए, कि सबसे पहले हम बड़ा Q1 नहीं निकालेंगे, स्मॉल Q1 निकालेंगे, तो n बाय 4, क्या प्लस 1 करना है, नहीं करना, कॉन्टिन्यूस में प्लस 1 नहीं होता है, तो 28 अपॉन 4, सेवंथ टर्म ढूंढना, सेवंथ टर्म, और ढूंढ के बताना कौन सा आ रहा है, यही है क्या, 20 to 30 है क्या, ठीक है, तो हम लिख देते हैं क्वार्टाइल ग्रुप 20 to 30, एग्जाम में थोड़ी लिखना है, एग्जाम में तो MCQ है, समझ गए, पर हम तो एक बार प्रैक्टिस तो करें, चलिए अब फॉर्मूला खुद बनाइए, क्या होना चाहिए, L1 अपनी जगह रहेगा, I अपनी जगह रहेगा, F अपनी जगह रहेगा, M की जगह क्या आ जाएगा, Q1, और माइनस C तो है ही, राइट, अब L1 कितना है, 20, I कितना है, 10, F कितना है, ये वाली फ्रीक्वेंसी 5, स्मॉल Q1 जो भी निकाला था अपन ने 7, और C इससे पहले की CF3, तो 20 प्लस 40 अपॉन 5 कर दूं चलेगा, तो ये आ जाएगा 48, बताइए जी 28 आ रहा है, इस तरीके से करना है, सिंपल है, कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है, तो इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा अपना, एक स्टेप बढ़ जाएगा। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पे प्लस 1 क्यों नहीं किया, यहाँ पे प्लस 1 क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो प्लस 1 वहां काम आता है जहां पे प्लस 1 करने से सीधा आंसर आ रहा हो, यहाँ सीधा आंसर तो आता नहीं है, यहाँ तो ग्रुप सेलेक्ट होता है, तो फिर जरूरत ही नहीं है प्लस 1 करने की, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया था, पता है आपको, एक एग्जाम होता है SO का, पता है आपको, नहीं है जानकारी, स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, गवर्नमेंट वैकेंसी है, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कॉन्टिन्यूस सीरीज में प्लस 1 क्यों नहीं करते, समझ गए, डन, चलो देखते हैं कितना सीखे आप। क्वेश्चन नंबर, इसका सॉल्यूशन है क्या, हाँ है, तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, आप सोल्व करके बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है, सब अलग अलग निकालेंगे, Q1 निकालेंगे आप, ठीक है भूपेंद्र, और पीछे आप निकालेंगे Q3, ठीक है, आप निकालेंगे D4, ऑनलाइन वाले निकालेंगे P86, हाँ आप D4 निकालो, क्वेश्चन नंबर 14 में,
हाँ जी हो गया, चलिए मैच करते हैं आंसर। क्यू वन कितना है बोलो? ओके सही है। हाँ जी एम किसने निकाला है? अच्छा एम तो पूछा ही नहीं था ना, पूछा था। हाँ जी डी फोर कितना बताया? करेक्ट सही है। हाँ जी क्या निकालना था? क्यू थ्री। अब देखो यहाँ पे मिस प्रिंट, बुक में बहुत सारी मिस प्रिंटिंग है ना, ये क्यू थ्री है, इसने क्यू टू लिखा हुआ है आंसर में, राइट? वो इसको छोड़ो, बुक के फॉर्मूले को छोड़ो, वो फॉर्मूला अलग है, अपने अपने हिसाब से करो। वो अपने अपने हिसाब से चलो, जो याद रहे, क्योंकि एमसीक्यू में फॉर्मूला थोड़ी लिखना है। हाँ जी बताऊँ मैं क्यू थ्री या हो गया? हो गया? अरे एग्जाम में कौन कराएगा? बता दो आंसर, देख लेते हैं फिर आगे चल। नहीं जी गलत आ रहा है, क्यू थ्री गलत आ रहा है। तीन सौ आ गया, ठीक है सही है। चलिए भाई ओके, अब एक यूनिक क्वेश्चन, कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 अपन इलस्ट्रेशंस भी कर रहे हैं और क्वेश्चन भी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। क्वेश्चन 15 में क्या अलग नजर आता है आपको, जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया उसमें और 15 में कोई फर्क नजर आ रहा है क्या? यस ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, और एक्सक्लूसिव सीरीज है तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर ही आप इसका मीन, हाँ मीडियन क्वार्टाइल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक बात ये आती है कि सर हमें कब कब कन्वर्ट करना चाहिए और कब कब कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, ये कैसे याद करें, एग्जाम में फालतू की मेहनत हो जाएगी। तो मैंने बताया था इसका बेसिक क्लास में कि जिस फॉर्मूले में L1 L2 काम आता हो, अगर आपके फॉर्मूले में L1 या L2 काम आता है तो आपको कन्वर्ट करना जरूरी है, और अगर L1 L2 काम नहीं आता तो कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है। तो बस याद करने की जरूरत ही नहीं है, जब आप फॉर्मूला करोगे लिखोगे तो अपने आप याद आ जाएगा। अब हमें पता है कि मीडियन में तो ज़रूरत है तो कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने का तरीका क्या बताया था, एक तो लंबा प्रोसेस बताया था और एक याद करवाने के लिए बताया था कि लोअर लिमिट में से तो 0.5 घटा देना और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ देना। तो देखिए पहला ग्रुप क्या बनेगा अगर मैं ऐसा करूं तो, 3.5 से लेके 7.5 बनता है क्या? 7.5 से लेके 11.5 से लेके 15.5, 15.5 से लेके 19.5, 19.5 से लेके 23.5, 23.5 से लेके 27.5 और 27.5 से लेके 31.5
फाइव, बस बाकी तो सेम ही है, जो अभी क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वही है। सी एफ निकालेंगे और कैलकुलेशन कर देंगे, बताओ कर लेंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये आप होमवर्क लिख लेना, क्योंकि बड़े क्वेश्चन क्लास में ज़्यादा करवाने का मतलब नहीं है, रीज़न है कि क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा आएगा नहीं, एमसीक्यू आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कैलकुलेट डी वन एम वन क्यू थ्री और पी 95, डिफरेंस क्या नजर आता है, अनइक्वल इंटरवल्स। जैसे इसमें 0 से 20 है, 20 का डिफरेंस है, इसमें 20 से 30 है, 10 का डिफरेंस है, इसमें 30 से 80 50 का डिफरेंस है, इसमें 80 से 120 40 का डिफरेंस, 120 से 180 60 का डिफरेंस, और 180 से 220 का डिफरेंस। ठीक है, क्या इस डिफरेंस से हमें कोई मतलब है? नहीं है, हमारा तो जो ग्रुप सेलेक्ट होगा उसके हिसाब से मैटर चलेगा। ओके, तो हमें इक्वल होना की जरूरत ही नहीं है, तो आप इसको ऐसा का ऐसा ही सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ ये भी कर लेंगे होमवर्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, तो ये मैं करवाता हूं आपको। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब ये सबसे टेंशन वाला काम होता है, जिसको मैथ्स में दिक्कत होती है ना, उसके लिए सबसे टेंशन वाला काम यही है, मिसिंग वैल्यू है ना। क्यों भाई, है क्या? तो सर एक्स वाई जहां जाते हैं ना वहां पे फिर बस हो गया काम फिर। तो चलो देखते हैं, बहुत सिंपल है वैसे, कैसे? पहले मुझे भी डर लगता था, ठीक है, अब थोड़ा ठीक है। तो करना क्या है, करना वही है जो पहले करते थे, वही अभी करना है। कैसे बताओ, सबसे पहले बेटा निकालिए सी एफ, सबसे पहले क्या निकालिए, सी एफ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सी एफ 40 90। अब इसको क्या ले लेते हैं अपन, x, तो कर देते हैं 90 प्लस x। अब 90 में 150 जोड़ देते हैं तो 240 प्लस x। ठीक है, वापस जोड़ दीजिए 180, कितना आ रहा है, 420 प्लस x है क्या? ठीक है, और जोड़ दीजिए 550 प्लस x है क्या? सही है, और यहाँ पे कर लेते हैं y, तो हो जाएगा 550 प्लस x प्लस y। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं 610 प्लस x प्लस y, बताना एक बार, ठीक है क्या? सही है, पक्का? मैं यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो 840 लिख सकता हूँ, बताओ हाँ या ना, क्योंकि ऊपर n दे रखा है 840, n 840 है ना, तो लास्ट वाली सी एफ का टोटल तो उतना ही होता है। अच्छा, अगर मैं रिवर्स में जाऊं, अगर मैं रिवर्स में जाऊं तो क्या मैं यहां पे 780 लिख सकता हूं, वो भी लिख सकता हूं, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मैं सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए ऐसा भी होता है। भाई जो लास्ट सी एफ होती है, जो लास्ट सी एफ होती है वो एन का टोटल होता है, उससे पहले 60 था वो लेस कर दूंगा तो उससे पहले की सी एफ आ जाएगी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हालांकि अभी इसका हमारे पास कोई रोल नहीं है। तो ये तो चलो हमने बेसिक तैयारी कर ली। अब जब भी आपके पास मिसिंग क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ एक काम करना है, जो वैल्यू आपको दे रखी है उसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, जो भी वैल्यू आपको दे रखी है ना उसका फॉर्मूला लिखना है। हमें दे रखा है Q1, तो Q1 का फॉर्मूला क्या होता है बताना, L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल Q1 माइनस C, बताओ यही होता है क्या? ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या क्या है बताओ, L1 है L1 कितनी है, नब्बे? नहीं, L1 नहीं है हमारे पास, समझ रहे हैं, हमारे पास L1 नहीं है। कहाँ से आएगा L1? L1 के आने के लिए Q1 का होना जरूरी है, स्मॉल Q1 चाहिए ना,
स्मॉल क्यू वन होता है एन बाय फोर, स्मॉल क्यू वन क्या होता है एन बाय फोर, एन कितना है 840, तो अपॉन फोर करेंगे तो 210 आता है क्या, 210 टर्म, ऐसा बोल सकते हैं। पर इसको भी कैसे ढूंढें, एक्स वाई आ रहे हैं बीच में, क्या 210वें आइटम को आप सी एफ में ढूंढ सकते हैं क्या, नहीं ढूंढ सकते जब तक एक्स पता नहीं होता, तो फिर कैसे करें बताऊं, इसको सी एफ में ढूंढ नहीं सकते और ग्रुप के बिना क्वेश्चन हो नहीं सकता। अच्छा एक बार बताओ, हम जो ग्रुप निकालते हैं उस ग्रुप का सेंस क्या है, मतलब क्या है उसका, जैसे मान लो 35 से 40 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा क्वार्टाइल इसके बीच में है, तो जब क्वार्टाइल दे ही रखा है तो ग्रुप सीधा ही लिख लो ना, अरे क्वार्टाइल दे ही रखा है ना, तो ये 36 जिस भी ग्रुप में आ रहा है वही क्वार्टाइल ग्रुप है, नहीं समझे, इसको कहते हैं रिवर्स सोचना, सीधे तो सोच रहे हो पर ये भी तो सोचो कि हम वो ग्रुप निकालते क्यों हैं, क्योंकि उस ग्रुप का मतलब होता है कि हमारा आंसर इसके बीच में है, तो जब आंसर ही दे रखा है तो ग्रुप निकाल लो ना, क्या दिक्कत है, 36 आंसर है, 36 जिसके बीच में वो हमारा ग्रुप है, अब सब कुछ आ गया। अब चलो अब रखते हैं, बताइए जी क्यू वन कितना है 36, क्यू वन कितना है 36, एल वन कितना है 35, आई कितना है 5, एफ कितना है, एफ कितना है 150, स्मॉल क्यू वन कितना है 210, और पीछे वाली सी एफ 90+x। लो जी सोल्व कर सकते हैं क्या, कह सकते हैं 36 अपनी जगह 35 इधर ले लूं, प्लस का है तो इसलिए इधर ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर कितना बच रहा है 210 माइनस 90 कर दे, बताना एक बार 210 माइनस 90 कर दे, कर दो तुम, कितना आ रहा है 120, 210 माइनस 90 120, ठीक है, तो 120 इंटू 5 भी कर दूं, हाँ जी 120 इंटू 5 भी कर दूं ना, 600 आ गया, और माइनस प्लस आ जाएगा ना, ये प्लस 5x कर दूं, बोलो सही है, और अपॉन में 150, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो 150 इक्वल्स टू 600 प्लस 5x आ रहा है क्या, देखना ठीक है, ठीक है, तो 5x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 600 माइनस हो जाएगा ना, तो x बराबर 450 अपॉन 5, बताओ जी 90 आ रहा है क्या, हाँ तो 450 आ जाएगा ना नेट, हाँ तो x, हाँ तो ठीक है ना, तो 90 आ जाएगी ना वैल्यू, फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव थोड़ी होती है, समझ गए, बोलो जी x कितना आया 90 आया, तो x की जगह अगर 90 रख दें टोटल हमें पता ही है 840 है, तो y तो बता ही दोगे 610 700 140 आ रहा है क्या, देखना भाई फ्रीक्वेंसी का टोटल 840 है, 610 तो बाकी थी, 90 ये और आ गया 700 हो गया, 840 में से 700 घटा दो तो ऑटोमेटिक वाई कितना बचेगा 140, आई बात समझ में, बताओ कितना आसान है, तो ये देखिए 90 और 140 ये रहा आपका आंसर, मिल गया,
बताओ जी, यहाँ पे कोई डाउट? मिसिंग विसिंग कर लोगे अब? हो सकता है इकोनॉमिक्स में होगा। चलो दो क्वेश्चन और हैं, वो और देख लो ताकि ये टॉपिक ही अपना खत्म होएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 सर, 18 कह रहा है फाइंड आउट द मीडियन आउट ऑफ मीडियन एंड क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग डेटा। सीधा सीधा क्वेश्चन है क्या? क्वार्टल्स का मतलब होता है Q1 Q3। जब भी बोले ना क्वार्टल्स निकालो तो आप Q1 Q3 निकालेंगे, ठीक है? क्वार्टाइल्स बोला है ना, क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल थोड़ी बोला है, क्वार्टाइल्स मतलब सारे। अच्छा सर, फिर सारे हैं तो Q1 Q2 Q3 तीनों निकलने चाहिए, तीन होते हैं क्वार्टल्स। अगर MCQ में आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछे कि क्वार्टल्स कितने होते हैं तो क्या जवाब दोगे? दो होते हैं या तीन होते हैं? क्वार्टल्स तीन होते हैं, पर Q2 जो होता है ना वो M के बराबर होता है। हाँ तो इसलिए एग्जामिनर क्या करता है, Q2 पूछता ही नहीं है, उसकी जगह क्या पूछ लेता है, मीडियन पूछ लेता है। पर MCQ अगर आ जाए कि क्वार्टल कितने होते हैं तो आंसर टू नहीं करेंगे आप, आंसर कितना करेंगे, थ्री करेंगे। समझ गए बात को? ओके ठीक है। जिन बच्चों ने आज नया ज्वाइन किया है ना उनके लिए क्वेश्चन नंबर 20, वैसे मैंने कल करवा दिया है क्वेश्चन नंबर 20 क्लास में, पर वो मुझे करके बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा। मैंने कल क्लास में करवाया था, पर फिर भी जिन्होंने नया ज्वाइन किया वो मुझे सॉल्व करके बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा। ओके बोलो भी बोलो, कर लिया ट्राई? तो क्या है देखिए, 15 बच्चे हैं, 15 बच्चों में से आपको 10 के नंबर दे रखे हैं, ठीक है? 15 बच्चे हैं, 15 में से 10 के मार्क्स दे रखे हैं जो कि पास हो गए, और 5 बच्चे फेल हो गए। अब हमें क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, तो इन 10 नंबर को तो असेंडिंग में कर ही सकते हैं, ठीक है? तो आप लिखेंगे 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9 और 9, ऐसा लिख दिया 10 लोगों का। तो अब जो बाकी 5 बच्चे फेल हुए उनके नंबर हमें पता नहीं है, पर इतना जरूर पता है कि उनके नंबर 4 से तो कम ही होंगे, फेल हुए तो 4 से तो कम ही होंगे ना। तो x1 x2 x3 x4 x5 ऐसा लिख दो, एक ही बात है। और फिर फॉर्मूला लगा दो n+1/2, तो 15+1/2 कितना आ जाएगा, 8th टर्म, और 8th टर्म आंसर क्या आ जाएगा, 6। इस तरीके से निकालना है। बोल लीजिए आगे बात समझ में। तो ये था आपका मीन, हम पहले कर चुके हैं मीडियन क्वार्टाइल वगैरह था। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे मोड, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे मोड, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।